बसंत पंचमी का दिन, महाराज सरस्वती का दिन, जिस दिन जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है उसके हाथ से बसंत पंचमी के दिन सरसों के 31 फूल शंकर जी को चढ़ा दिए जाते हैं तो बच्चा पढ़ने में अव्वल निकल जाता है। उसके बच्चे को कभी नहीं कह सकते कि पढ़ने बैठ, वो खुद बैठेगा। केवल आज बसंत पंचमी का दिन, एक ही दिन चढ़ता है, और बाकी के सरसों के फूल आपको मालूम है कि रोग मुक्ति के लिए तो होते ही हैं। ये तो आपको पहले भी वर्णन किया महाराज कि जब कोई एकदम रोग आ जाए और डॉक्टर एकदम बोल दे कि ये रोग भारी आ गया है और इसकी जांचें जाएंगी और फिर ये कुछ भी हो सकता है, तो क्या करा जाता था कि 108 सरसों के फूल लाकर तुरंत शंकर भगवान को चढ़ाए जाते थे महाराज। तो चढ़ाने के बाद में रिपोर्ट अच्छी आती है, ऐसा नियम है। एंड ठेका, कोई ठेकेदारी करते ना, जो ठेका भरते हैं कि भाई मेरा टेंडर आना चाहिए, मेरा ये काम होना चाहिए, मेरी मल्टी बनना चाहिए, या मेरा ये काम के लिए जा रहा हूं, ये काम फते होना चाहिए, उसके सबके हाथ पर जोड़ने से अच्छा एक काम करो, बस 108 सरसों के फूल उठाओ, शंकर जी का उद्धतेश्वर महादेव का नाम लिखो और छोड़ दो, शिव जी के ऊपर एक एक कर चढ़ा दो, वो ठेका तुम्हें ही मिलेगा, वो काम तुम्हारे पास ही आएगा। सरसों का पुष्प समर्पित किया भगवान शिव, आनंद की राशि है हमारी। अब सरस्वती सुबह ब्रह्म मुहूर्त में निकली और सरस्वती जब ब्रह्म मुहूर्त में निकलती है वेद और माला लेकर स्मरण करती है महाराज, भ्रमण करती करती शारदा सरस्वती जब निकली, शिव महापुराण की कथा कहती और गर्ग संहिता कहती है, जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश तीव्र होते चले जाता है सरस्वती उस प्रकाश में आनंद बिखरती हुई वीणा के स्वर देती हुई माता सरस्वती गाती गाती पितरों के समय से पहले ही आलोप हो जाती। जैसे ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी सावित्री नित्य स्मरण करने में, भगवान की सेवा में तत्पर रहने वाली है, और ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करते समय ज्ञात करते हैं कि सावित्री मेरे साथ होने के बाद भी ये सृष्टि की रचना नहीं होती, तब ब्रह्मदेव सरस्वती को प्रकट कर दे, श्री शिवाय नमस्ते। जोड़ने से अच्छा एक काम करो, बस 108 सरसों के फूल उठाओ, शंकर जी का उद्धतेश्वर महादेव का नाम लिखो और छोड़ दो, शिव जी के ऊपर एक एक कर चढ़ा दो, वो ठेका तुम्हें ही मिलेगा, वो काम तुम्हारे पास ही आएगा। बस केवल उद्धतेश्वर मां, अर्थात ये जो क्रम है ये वो क्रम तो 108 सरसों के फूल का आप कभी भी कर सकते हो, पर जो ये बच्चों के लिए किया जाता है वो केवल बसंत पंचमी के दिन ही होता है। नटराज का, किसका पूजन? नटराज, क्योंकि वीणा देवी को सरस्वती को भी अगर कोई स्वर प्रदान करता है, माता सरस्वती को यदि कोई नृत्य प्रदान कर रहा है, माता सरस्वती को यदि कोई वीणा में स्वर प्रदान कर रहा है, माता वीणा वादनी को अगर कोई वीणा सिखा रहा है, माता सरस्वती को नृत्यांगना सिखा रहे हैं, तो वो नटराज भगवान शिव सिखा रहे हैं। शंकर, दुनिया के लोग माता सरस्वती को पकड़ते हैं और सरस्वती शिव नटराज को पकड़ते हैं। पहला नाट्य सिखाने वाला ही शंकर सरस्वती को, इसलिए कहते हैं विद्या अध्ययन करने वाले बच्चों को शिव का स्मरण करना चाहिए, शंकर का स्मरण करो, जब जब पढ़ने बैठो मन नहीं लगे। कई बच्चों की आदत रहती है किताब लेकर बैठ जाते हैं, लाइन पर इंगली भी रखेंगे, सब ध्यान करेंगे, पर याद भी तो होना चाहिए। याद कैसे हो? तो महाराज जितनी बार विद्या अध्ययन करने बैठे बच्चे उतनी बार ओम सरस्वती का स्मरण करें। किसका स्मरण करना है? ओम सरस्वती। ओम का संलेखन लंबा लेवे, आखिरी में सरस्वती पर विराम कर दे। ओम सरस्वते नमः।
ओम सरस्वती का स्मरण करिए। 5 बार बोलने के बाद बच्चा खेलते हुए भी अगर किताब में एक लाइन भी पढ़ लेगा तो वो बच्चा उस लाइन को कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता, भले वो उस क्लास को पास करके आगे की 10 क्लास में क्यों ना पहुंच जाए, भूल नहीं सकता। सरस्वती जी का एक नाम शारदा है, क्या नाम है जम के बोलिए जरा, शारदा। ये शारदा नाम कहां से पड़ गया? सरस्वती माता को शारदा नाम किसने दिया था? भाई नामकरण होता है तो हमारे यहाँ तो आज भी नियम है महाराज, ये बुआ कोई नाम बताती है, मामा जी कोई नाम बताते हैं और दादाजी कुछ बोलते हैं, कोई बोलेगा टिक्कू, कोई बोलेगा पिक्कू, कोई बोलेगा कुछ, सबके नाम अपने अपने रहते हैं, कोई प्रेम से क्या बोलता है। तो सरस्वती का शारदा नाम किसने प्रदान किया था? माता सरस्वती को शारदा संबोधन किसने दिया था? माता सरस्वती को शारदा का संबोधन किस समय पर प्रदान किया गया था? जिस समय पर शंकर और पार्वती भ्रमण पर निकल रहे थे और भगवान ब्रह्मदेव सरस्वती को ढूंढ रहे थे, और माता सरस्वती को ढूंढते हुए ब्रह्मा जब भगवान शंकर की साक्षी में पहुंचे हैं, तब भगवान शंकर से ब्रह्मदेव ने कहा, आप कहीं सरस्वती को देखें तो मुझे भेजिएगा, मेरे पास में भेजिएगा। शंकर भगवान ने उसी समय पार्वती से कहा, पार्वती जैसे एक स्त्री जो पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली है, एक नारी पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली होती है, पति को परमेश्वर मानने वाली होती है, पति के चरणों का रसतत्व ग्रहण करने वाली होती है, तो वो पर पुरुष का स्मरण नहीं करती। उसी तरह एक पति जो अपनी अर्धांगिनी के साथ में रहे और अर्धांगिनी के साथ चले तो पर नारी का स्मरण नहीं होना चाहिए। तो एक काम करो पार्वती, तुम उस सरस्वती को बुलाना प्रारंभ करो। अब पार्वती जी ने कहा, सरस्वती तो मेरी बहन जैसी है, सरस्वती तो मेरी सखी जैसी है, अब मैं उसको अगर बुलाऊं, आवाज दूं, अच्छा नहीं लगेगा। तो माता पार्वती जब ढूंढते शंकर भगवान के साथ में भ्रमण करती करती पहुंची, तो क्या देखती है माता पार्वती कि एक सरोवर के पास में माता सरस्वती बैठकर सरोवर में अपना मुखाग्रविंद देख रही थी। श्वेत वस्त्र था मेरा माँ का और बड़ी सुंदर गले में माला पहन रखी थी माता सरस्वती ने, और एक सरोवर में माता सरस्वती अपने मुख को जब निहार रही हैं, उस दर्पण के भाव में अपने प्रतिबिंब को देख रही हैं, तब उस समय पर माता पार्वती ने कहा, शारदा सरस्वती को लगा कि मेरा संबोधन ये किसने कहा, पलट कर देखा, सरस्वती ने कहा, पार्वती तुम? हां मैंने तेरा जो दर्पण में प्रतिबिंब देखा है, तेरा स्वरूप देखा, पर तू इतनी सुंदर है पर तेरा जल में जो स्वरूप देखा ना, वो नीला दिखाई दिया, थोड़ा सा श्याम दिखाई दिया, इसलिए मैंने तुझे शारदा कह दिया। आज भी हमारे मध्य प्रदेश के कटनी और सतना के बीच में महियर में आज भी शारदा भवानी विराजमान है। धार जिले में जाएंगे तो बाग क्षेत्र में मां बागेश्वरी मां शारदा आज भी विराजमान। कहा सरस्वती जी पूछी, पार्वती तुमने मेरे को शारदा क्यों कहा? क्योंकि तेरा जो प्रतिबिंब था वो शाम नजर आ रहा था मुझे। उस प्रतिबिंब को देखकर मैंने तुझे शारदा का संबोधन दिया, तुम्हें ब्रह्मा जी बुला रहे हैं। सरस्वती ने कहा, पार्वती मैया दीदी आपने मुझे जो नाम दिया है, जगत के लोग संसार के लोग मुझे इस नाम से जब पुकारेंगे तो ये शारदा ये सरस्वती स्वयं उसके कंठ पर उसके मस्तिष्क पर सदा विराजमान रहेगी, ये शारदा बनकर। इसलिए हमारे स्कूलों में हमारे काव्य ग्रंथों में हमारे जो कविगण रात्रि को जो काव्य पाठ करते हैं, कविता का स्मरण करते हैं, वो सरस्वती की वंदना नहीं करते, हे शारदे मां, शारदा की वंदना करते।
कभी आपसे कोई पूछ ले कि शारदा नाम पार्वती सरस्वती का कब पड़ा, तो आप बता सकते हो कि ये माता शारदा नाम कोई सहज नहीं है, मां ढूंढने के लिए जब निकली ब्रह्मदेव के कहने पर भगवान शिव के साथ भ्रमण करती। नाम का उच्चारण कोई सहज नहीं होता, कोई देखता होगा। दादाजी ने अगर किसी का नाम कुछ रखा है तो कुछ सोच के रखा होगा, पिताजी ने अगर कुछ रखा है तो उसके मन में कुछ आया होगा तो रखा होगा, मम्मी ने अगर कोई नाम रखा है तो उसने कोई विचार कर रखा होगा। कोई नाम अगर किसी का रखा जाता है तो उसके अनुकूल रखा जाता है, कि हो सकता है कि वो नाम की क्या उसके मन में चल रहा होगा। तो शारदा का संबोधन कोई सहज नहीं है, माता सरस्वती का एक नाम शारदा हुआ, इसलिए संबोधन में सरस्वती कम शारदे मां ज्यादा बोला जाता है। आप कब्य पाठ कर लो, नाम जाप कर लो, स्मरण कर लो। हम बच्चों से कहना चाहेंगे, छोटे छोटे बच्चों से, आप माता सरस्वती की आराधना करा करो। मेरे बच्चों से निवेदन है, कभी जिंदगी में अगर मौका मिल जाए और सरसों के फूल यदि आपके जीवन में आपको कहीं से प्राप्त हो जाए, सरसों के फूल जानते हो ना, पीला कलर का होता है सरसों का फूल, आप प्रयास करो सरसों का फूल। जिस दिन माता सरस्वती का, मेरी बागेश्वरी का जिस दिन प्रागट्य उत्सव हो बसंत पंचमी का, उस समय पर माता सरस्वती का स्मरण कर वो सरसों का फूल आप देव अधिदेव महादेव को चढ़ाइए। जैसे माता सरस्वती को ज्ञान दिया था वैसा मेरा महादेव आपको भी ज्ञान दे। वो सरसों का फूल आप देव अधिदेव महादेव को समर्पित। कई जगह पर आम के जो झूमर होते हैं वो, कई जगह पर सरसों का पुष्प, सरसों का फूल। वैसे शिव महापुराण के अनुसार अगर अपन देखें तो बड़े रोग में भी कारगर होता है। जिसको कैंसर जैसा रोग हो जाता है या किडनी लीवर जिसका डैमेज हो जाता है, इसके लिए हमने पहले भी कथाओं में वर्णन किया है। जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर होता है, जिसको लिखना नहीं आता, बच्चे लोग याद तो कर लेते हैं पर कॉपी में लिख नहीं पाते, उसको एक ही बात कहो, शंकर जी के मंदिर में जाओ, चंदन घस के ले जाओ और चंदन को तीन उंगली से उस शिवलिंग पर उस बच्चे को ओम बनाना सिखाओ। शिवलिंग पर जो बच्चा ओम बनाना पूरा चालू कर देता है, उस बच्चे को माँ फिर हाथ पकड़ के नहीं पढ़ाती, वो बच्चा अपने आप लिखना चालू कर देता है केवल शिवलिंग पर ओम लिख देने पर। सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। साथी भाई बहनों, कैसे हो? आशा करती हूँ, उम्मीद करती सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो कथा के माध्यम से गुरुदेव जी ने बसंत पंचमी के दिन होने वाले उपायों के बारे में बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।